बिल्कुल सबको समर्थन दिया जा रहा है, जो पूरे प्रमंडलों में जो लोग जन सुराज से जुड़े हुए हैं उसको जन सुराज से मदद की जा रही है, जो जन सुराज के साथ ही जुड़े हुए हैं वो अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे और प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद के चुनाव में जन सुराज की बड़ी भूमिका आपको दिखेगी, ये भी आपको बता देते हैं। अभी एक महीने में 50% से ज्यादा जहां पर पदयात्रा हो गई है वहां पर प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद में जन सुराज के साथियों का कब्जा हो जाएगा। आप जिस जगह पर बैठे हैं अभी फेमस वार्ता कर रहे हैं, एम्स के लिए जगह चिन्हित किया गया था, फिर यहाँ से उनके चला गया गड्ढे में, क्या लग रहा है दरभंगा में एम्स बनना संभव है? दरभंगा जब तक नीतीश कुमार है तब तक कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को ना एम्स बनाना है ना बिहार के बारे में चिंता। नीतीश कुमार की जीवन में बस अब एक ही चिंता रह गई है कि कितने दिन तक अपने कुर्सी पर किसी तरह बैठे रहे। आप जिस दरभंगा एम्स की बात कर रहे हैं आज तूतू मैमै हो रहा है, दरभंगा एम्स का जब निर्णय लिया गया उस समय नीतीश कुमार किसके साथ थे? भाजपा के साथ थे। तो 2020 से लेकर काहे बैठे रहे दो बरस तक करा लेते। आज जब भाजपा के अलग हो गए हैं तो कह रहे हैं कि केंद्र वाला नहीं करने दे रहा है, कल फिर भाजपा में चले जाएंगे तो कहेंगे अरे छोड़िए ना इस समय कोई मुद्दा है, हम तो डीएमसीएच को बोल दिया है किसी को एम्स जैसा बना दिया है। नीतीश जी का स्थान सीए था जब भाजपा के साथ थे और उस समय ये कमेटी आई थी और उसने निर्णय दिया कि ये जमीन ठीक नहीं है, तो नीतीश बाबू का उस समय बयान था कि अरे छोड़िए ना जमीन नहीं है तो हम लोग डीएमसीएच को ही एम्स बना देंगे। आज जब भाजपा से अलग हट गए तो फिर जमीन का मामला मुद्दा उठा रहे हैं।